इतना खूबसूरत इतना कामयाब ये पाकीज़ा के राउंड आप सबकी अकलो शोहर ज़बानो बयान नजर दिल जिसमें ईमान अकीदे की अंगड़ाइयों के मेहराबे हरम के नीचे मुस्कुरा रहा है। दुआ करें कि ये नमाज मोहब्बत तकमील की सरहदों के हवाले हो जाए। आइए दोस्तों, मैं गुजारिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान के उस तरन्नुम में पढ़ने वाले शायर से जो कि अल्लाह ने न जाने उसके तरन्नुम में क्या कशिश रखी है कि जब वो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल में झूम करके गुनगुनाता है तो सुनने वाला जो सबसे किनारे बैठा हुआ होता है शख्स वो उसके गुनगुनाहट के साथ गुनगुनाने लगता है और जो दाईं पर शोरा इकराम बैठे होते हैं वो इस बात की तमन्ना करते हैं, वो इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि काश मेरा तरन्नुम इसकी तरह हो जाए। दोस्तों, वो क्लासिकल आवाज के मालिक जनाबे मुजाहिदुल इस्लाम मौवी हैं। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। माइक पर जनाबे मुजाहिदुल इस्लाम मौवी। हेलो 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 हाजिर इन महफिल दाइश पर बैठे शोरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। दोस्तों, आप लोग बड़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं। मैंने सलाम किया है, ये बहादुरगंज की सरजमीन है। बुलंद आवाज से जवाब दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। लगना चाहिए कि ये बहादुरगंज की सरजमीन है। मैं सीधे सीधे यहाँ से नाते पाक का मतला पेश करता हूँ सदर साहब की इजाजत और मेहमान खुसूसी आली जनाब अलहाज रियाज अहमद साहब चेयरमैन और भी दीगर मेहमान की दुआएं लेता हूँ। नाजिम मुशायरा तारिक उमर साहब, बस यहीं से मुशायरे का माहौल बना दीजिए। एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ, पेश करता हूँ मुलाजा करें कि हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। कि हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, अचानक कनीज बन के मदीने में आ गई। कि हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, अचानक कनीज बन के मदीने में आ गई। चौथा मिसरे पे जुड़िएगा दोस्तों, के फूलो फूलो का हुसन हजरत यूसुफ को मिल गया। फूलो फूलो का हुसन हजरत यूसुफ को मिल गया, यूसुफ को मिल गया, यूसुफ को मिल गया। अरे खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गए। बहुत शुक्रिया, एक मरतबा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। दोबारा पढ़ो कि हर ताजगी चेयरमैन साहब खुशी तवज्जो का ताले पेश करता हूँ मुलाहिजा करें, बहुत शुक्रिया। कि हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई। तारिक उमर साहब बतौर खास मुलाहिजा करें सज्जद करीमी साहब। कि हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गए। फूलो का हुसन हजरत यूसुफ को मिल गया, फूलो का हुसन हजरत यूसुफ को मिल गया, यूसुफ को मिल गया, यूसुफ को मिल गया। अरे खुशबू मेरे के पसीने में आ गए, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गए। के हर ताजगी जमीन के सीने में आ गए। एक मत
मतला चंद शेर और पेश करता हूँ इन्हीं मोहब्बतों के साथ बतौर खास मुलाजा करें तारिक उमर साहब मेरे बड़े भाई शाहिद गौहर साहब ने तशरीफ फरमा है असद आजमी साहब है पेश करता हूँ बतौर खास और जिनके तवस्सुल से मेरी हाजिरी हुई मेरे बड़े भाई नौशाद बहादुर भंजी साहब पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें आप लोग थोड़ा मिलजुल के बैठ जाइए पेश करता हूँ बतौर कह दीजिए सुभान अल्लाह बहुत शुक्रिया कि सुनते हैं निराले हैं चेयरमैन साहब पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें आप उस सरजमीन की ज़ियारत करके हैं पेश करता हूँ बतौर खास कि सुनते हैं निराले हैं हर बात मदीने की दूसरे मिसरे को पेश करता हूँ बतौर खास अगर आपकी भी ख्वाहिश है तो पूरा मजमा एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह कि सुनते हैं निराले हैं हर बात मदीने की कि सुनते हैं निराले ये देखिए भाई अब मजमा बहुत शुक्रिया यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना दिए बहुत शुक्रिया कह दीजिए सुभान अल्लाह के मौला के सुनते हैं निराले हैं हर बात मदीने की सुनते हैं निराले हैं हर बात मदीने की के सुनते एक रात मदीने की माला तू अता कर दे जिंदाबाद सुभान अल्लाह एक रात मदीने की और इससे भी खूबसूरत शेर आपकी समातों के हवाले पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें तारिक उमर साहब अता करें भाई नवाज़ की सुनते हैं निराले हैं कि मौका जो मिले तुमको मौका भी मिले तुमको तो जी भर के नहा लेना पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह कि मौका जो मिले तुमको मौका जो मिले तुमको तो जी भर के नहा लेना किस्मत से ही मिलती है बरसात मदीने की जिंदाबाद सुभान अल्लाह किस्मत से ही जनाबे मुजाहिदीन दोबारा तो कह दीजिए सुभान अल्लाह क्या अंदाज है भाई बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब के सुनते निराली है हर बात मदीने की मौका जो मिले तुमको तो जी भर के नहा लेना कि मौका जो मिले तुमको तो जी भर के नहा लेना जी भर के नहा लेना किस्मत से ही मिलती है बरसात मदीने की समझ से ही मिलती है
बरसात मदीने की। इस नाते पाक आखिरी शेर बतौर खास मुलाजा करें कि तुम अपनी समात का जमजम से वजू कर लो। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि तुम अपनी समात का जमजम से वजू कर लो। एक नात मदीने की मैं तुमको सुनाऊंगा। एक नात मदीने की मैं तुमको सुनाऊंगा। एक नात मदीने की सुनते हैं मिला। क्या बात है भाई। देखिए कन्वीनर साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। पेश कर बतौर खास मुलाजा कर जी पढ़ूं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह के सुनते निराली है हर बात मदीने की। तुमको सुनाऊंगा एक नात मदीने की। मैं तुमको सुनाऊंगा एक नात मदीने की। तुम अपनी समात का जमजम से वजू कर लो। बहुत शुक्रिया। एक नात पाक का मतला हाजी रियाज चेयरमैन साहब के हवाले से मतला आप तक पहुंचा रहा हूं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। चेयरमैन साहब पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा करें जी 500 उससे बढ़ के आएगा इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब जानते हैं। पेश करता हूं बतौर खास गौहर साहब बतौर खास मुलाजा करें जी। अल्लाह करे भाई आमिना का ये है। क्या बात है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। चेयरमैन साहब के आमिना का आमिना का आमिना का लाल क्या कमाल कर गया। के आमिना का आमिना का आमिना का लाल क्या कमाल कर गया। आमिना का लाल क्या कमाल कर गया। उंगली से टुकड़े है लाल कर गया। बहुत शुक्रिया। यही जिंदा दिली देखना चाहता था। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ बतौर खास पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। के आमिना का आमिना का आमिना का लाल क्या कमाल कर गया। आमिना का लाल क्या कमाल कर गया। उंगली से टुकड़े है लाल कर गया। उंगली से टुकड़े है लाल कर गया। बंद पेश करता हूँ तारिक उमर साहब नौशाद भाई पेश करता हूँ असद आदमी साहब आपकी दुआएं पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। मेरा नबी जब सबके हम का क्या कहना सुभान अल्लाह हंस के हामिल होने लगा। कि मेरा नबी जब सबके गम का हंस के हामिल होने लगा। मेरा नबी जब सबके गम का हंस के हामिल होने लगा। जख्म का मरहम दर्द का दर्म सबको हासिल होने लगा। जख्म का मरहम दर्द का दर्म सबको हासिल होने लगा। मक्का और मक्का और मक्का और मदीना माला माल कर गया। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कि मेरा नबी जब सबके गम का हामिल होने लगा। मेरा नबी जब सबके गम का हंस के हामिल होने लगा।
कमर हम दर्द कदर सबको हासिल होने लगा। मक्का और मक्का और मक्का और मदीना माला माल कर गया, उंगली से टुकड़े भी लाल कर गया। आखिरी शेर रियाज चेयरमैन साहब आपके हवाले से पहुंचा रहा हूँ, आखिरी बंद बतौर खास मुलाजा करे, पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। के आमना काला लिखा कमाल कर गया, उंगली से टुकड़े भी लाल कर गया। पेश करता हूँ तारिक उमर साहब शाहिद भाई के उसकी किस्मत का अंदाजा क्या कहने है? कौन लगाने वाला है के उसकी किस्मत का लगाने वाला है, फर्श बरी से अर्श बरी पर आने जाने वाला है। उसकी किस्मत का अंदाजा कौन लगाने वाला है, फर्श बरी से अर्श बरी पर आने जाने वाला है। उम्मत का उम्मत का उम्मत का कितना ख्याल कर गया, लाल कर गया। जिंदाबाद लाल कर गया कि उसकी किस्मत का अंदाजा कौन लगाने वाला है। उसकी किस्मत दे रहा है दुरुस्त। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें, कह दीजिए सुभान अल्लाह। उसकी किस्मत का अंदाजा कौन लगाने वाला है, फर्श बरी पर अर्श बरी पर फर्श जमीन से अर्श बरी पर आने जाने वाला है। उम्मत का उम्मत का कितना ख्याल कर गया, उंगली से टुकड़े भी लाल कर गया। बहुत शुक्रिया। दोस्तों आली जनाब मुजाहिदुल इस्लाम साहब अपना कलाम पढ़कर रुखसत हुए, यकीनन अब ये महफिल जो है जहाँ आनी चाहिए थी तहाँ आ चुकी है। मुजाहिदुल इस्लाम साहब को सुनना चाहते हैं ना? जी मैं आपकी सुन रहा हूँ। आइए मुजाहिद साहब चार मिसरा और पढ़ दीजिए, ये मजमा आपको छोड़ेगा नहीं। अब ये महफिल कामयाब हुई है, अब आप लोगों ने अपना फर्ज निभाया है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आइए माइक पर जनाबे मुजाहिदुल इस्लाम मौलवी साहब अपने खूबसूरत कलाम जी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। नहीं नहीं नहीं, इसी यकीनन अब ये महफिल जो है जमीन से उठकर आसमान की बुलंदी पर पास करती है। सलाम है आपको मुजाहिद भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आइए हाजरीन एक नज़र पाक का मतलब, उसके बाद जहमत तमाम, क्योंकि शायरे को फिर तो बहुत तवील है। पेश करते हैं चेयरमैन साहब मतलब यहाँ से बतौर खास मुलाहिज़ा करें। क्या बात है कि बादशाह 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 की औकात क्या है, अरे जैसी है शान शौकत नबी के बादशाह बादशाह की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी के बादशाह बादशाह की औकात क्या है, जैसे
है शान शौकत नबी की। शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा बतौर खास। कह दीजिए सुभान अल्लाह के हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी, हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चाँदी ही कट गया है। के हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चाँदी ही कट गया है। के अर्श आज़म का तारा आमिना का तुलारा हमारा नबे, अर्श आज़म का तारा हमारा नबे, आमिना का तुलारा हमारा नबे। और भी जग में है कितने प्यारे मगर सारे प्यारों में प्यारा हमारा नबे, सारे प्यारा हमारा नबे। तो चाँद कटता न कैसे पता जरा, चाँद कटता न कैसे पता जरा, कर दिया था इशारा हमारा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये है मोहब्बत भाई, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई मुजाहिद। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अब ये महफिल जो है जिस तरह से होनी चाहिए थी हो चुकी है, कामयाब हो चुका है ये प्रोग्राम, जिंदाबाद जी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह के अर्श आज़म का तारा हमारा नबे, आमिना का तुलारा हमारा नबे। और भी जग में है कितने प्यारे मगर सारे प्यारों में प्यारा हमारा नबे। तो चाँद कटता न कैसे पता जरा, चाँद कटता न कैसे पता जरा, कर दिया था इशारा हमारा नबे। भाई वाह 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 वाह, बस इशारों की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की। आखिरी पन्नी मोहब्बतों के साथ पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा करें, बहुत शुक्रिया बड़े भाई शाहिद गौहर साहब, मुलाजा करें के आखिरी पन्नी मोहब्बतों के साथ सुन लो उसके पास जहमत तमाम इरशाद। कि नफसी नफसी चेयरमैन साहब, कि नफसी नफसी सभी कह रहे हैं सुभान अल्लाह, अरब हबले नबी कह रहे हैं, कि नफसी नफसी सभी कह रहे हैं। मेरे साथ आए मेरे बड़े भाई अजमल भाई भी हैं, उनकी भी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास, मुलाजा करें कि नफसी नफसी सभी कह रहे हैं, रब हबले नबी कह रहे हैं, उजाला हमारा नबे, तीरगी में उजाला हमारा नबे, रोशनी का हवाला हमारा नबे। अतकिया हशर में है बराती बन, और महशर में दूल्हा हमारा नबे, और महशर में दूल्हा हमारा नबे। के जाम कौसर पिए के तो सिर फिसलिए, जाम कौसर पिएंगे तो सिर फिसलिए, देगा हमको पियाला हमारा नबे।
شان و شوکت نبی کی بہت عمدہ بہت خوبصورت دوستوں اب یہ پروگرام جو ہے جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں آ چکا ہے ماشاءاللہ معزز حضرات جس وقت جناب مجاہد الاسلام صاحب اپنا کلام پڑھ رہے تھے جناب محشر کے حوالے سے تذکرہ کر رہے تھے نفسی نفسی کا جو عالم ہوگا اس بارے میں بتا رہے تھے تو میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا چرمین صاحب کہ نفسی نفسی کا عجب ماحول ہوگا ہر طرف نفسی نفسی کا آسا صاحب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں کہ نفسی نفسی کا عجب ماحول ہوگا ہر طرف ایک ہی امید کا ہوگا حوالہ ہر طرف اور سرور عالم کی آمد کے اثر ظاہر ہوئے کیسرا کسرا ہو یا کعبہ کلیسا ہر طرف سرور عالم کی آمد کے اثر ظاہر ہوئے کیسرا کسرا ہو یا کعبہ کلیسا ہر طرف اور مئو کی سرزمین سے میرے بہت ہی عزیز دوست علی جناب اجمل صاحب تشریف لائے ہیں میں ان کے حوالے یہ شعر پڑھتا ہوں کہ سورہ کوثر در کعبہ پہ لٹکائی گئی سورہ کوثر در کعبہ پہ لٹکائی گئی اور پھر چھایا صفے باطل پہ سکتا ہر طرف سورہ کوثر در کعبہ پہ لٹکائی گئی اور پھر چھایا صفے باطل پہ سکتا ہر طرف